हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम सबको। आज मैं स्पेशल कुछ करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं पॉपी सीड, यानी कि उसको हम लोग बंगाली में पोस्तो बोलते हैं और हिंदी में कसकस बोलते हैं, तो मैं पॉपी सीड बोलूंगी क्योंकि बंगाली हो या हिंदी या भोजपुरी, जितना भी मेरे फैन फॉलोअर्स हैं या फिर बाहर के फैन फॉलोअर्स जो लोग ही हैं, जो लोग मेरे YouTube चैनल के इस वीडियो देखेंगे, तो वो लोगों के लिए मैं पॉपी सीड बोल के खाना बनाऊंगी, जो मटेरियल स्पेशल मटेरियल जो है, तो उससे मैं एक बंगाली डिश बनाऊंगी जो राइस या रोटी की चपाती किसी के साथ भी आप लोग बहुत मस्ती से एंजॉय करके खा सकते हो। तो चलो देख लेते हैं आज का मेनू कैसे बनाते हैं, ठीक है, आइए। फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों का रेसिपी है आलू पोस्तो, एक बंगाली रेसिपी। तो इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट्स है आलू और ये है पॉपी सीड यानी कि पोस्तो। आप लोग देख रहे हो इसको पोस्तो बोलते हैं, यानी कि आप लोग हिंदी में खसखस बोलते हो, ठीक है। तो हम लोगों का आलू लग रहा है, ये पोस्तो लग रहा है। अच्छा, इसको ये 5 फोरन है, इसमें जीरा, काला जीरा, मतलब सब चीजें हैं, ये मसाला में काम करता है। ये है, ये लगेगा, नमक लगेगा, हल्दी लगेगा, चिली लगेगा, हाँ, और ये रेड चिली लगेगा, और पानी लगेगा, और ऑयल तो नेसेसरी है। ये है सरसों का ऑयल। आलू पोस्तो बनाने के लिए सनफ्लावर ऑयल नहीं चाहिए, सरसों का ऑयल हम लोग अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। बांगालीरा तो जाने नहीं जे आलू पोस्तो जदि सर्षे तेले बनानो है ताहले एटा खूब ही सुस्वादु है। तो चलून देखे नी आमरा एबार रान्नाटा करे। फ्रेंड्स, आमरा ओवेनटा ऑन करे नियेछि। एबार आमरा कड़ाईटा गरम करे, ये थोड़ा गरम हो जाएगा तो उसके अंदर हम लोग ये पॉपी सीड को दे देंगे, यानी कि इसको थोड़ा कम फ्लेम में, एकदम कम फ्लेम में हम लोग पूरा ये रोस्ट कर लेंगे पॉपी सीड को। ज्यादा भी ना रोस्ट करें, ता जल जाएगा, जल जाने के बाद अच्छा नहीं होता है। थोड़ा हल्का से हम लोग रोस्ट कर लेंगे। हमरा अल्प आचे इटाके एकटू नेड़े चेड़े नेब, केनना आलू पोस्त बनाते होले आमरा जदि एकटू पोस्तटा बाटार आगे जदि आमरा एकटू भालोभावे इटाके नेड़े नी, ताहले एटा बाटार पोरे टेस्टटा आरो बेशी टेस्टी होय। एकटू भाजा भाजा होये गेछे, थोड़ा रोस्ट हो गया, तो अभी हम लोग ऑफ कर दिया है ओवन और ये उठा लेते हैं। अपनारा चाहले शिल नोड़ाओ बेटे नीते पारें, अगर आप लोग चाहते हो तो मिक्सर में भी कर सकते हो। ये हम लोग पॉपी सीड दे दिया, इसमें ड्राई चिली शुकनो लंका दिए दिलाम, दे दिलाम चीरा काचा लंका और स्वाद मतो एकटू नून। झालटा निजेर ऊपर निर्भर करे, जितना आप लोग तीखा खा सकते हो, तीखा आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग ज्यादा भी यूज कर सकते हो नहीं। हम लोग जैसे ज्यादा तीखा नहीं बना रहे हैं, इसीलिए यही बस। अभी इसमें थोड़ा हम लोग पानी देंगे, नहीं तो मिक्सर में ऐसे होगा नहीं पेस्ट, तो थोड़ा सा पानी भी दे दिया हम लोगों ने। अब ये देखिए फ्रेंड्स, पेस्ट बन गया है अच्छे से, और आलू एकदम छोटा छोटा पीस करके हम लोग काट करके रखे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग सरसों की तेल दे रहे हैं क्योंकि आलू पोस्तो बनाने के लिए सरसों ऑयल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑयल दे दिया हम लोगों ने। अब ये थोड़ा गर्म हो जाए क्या, अब इसमें हम लोग
ये हम लोग बंगाली में पांच फड़न बोलते हैं, ये दे दिया। इसमें जीरा है, सादा जीरा है, काला जीरा है, मेथी है, इसको पांच फोड़न बोलते हैं। तो हिंदी वर्ड मुझे पता नहीं है, मैं बंगाली में बोल रही हूँ, बट आप लोगों को बोल दिया कि इसमें क्या क्या होता है। और साथ में दो रेड चिली भी दे दिया। अब इसको थोड़ा अच्छा सा एक स्मेल आएगा तब तक थोड़ा ऐसा फ्राई हो जाए। उसके बाद हम लोग ये आलू पीस करके रखे थे, अच्छे से धो करके ड्राई करके रखे थे, वो इसमें दे दिया। अच्छे से ये थोड़ा फ्राई करना है। बहुत अच्छा सा स्मेल आएगा इसमें। इसमें हम लोग हल्दी देंगे, बट ये जो रेसिपी है अपना बांगालीरा जाने जे आलू हुआ, इसमें थोड़ा हम लोग हल्दी दिया था और थोड़ा दिया, बट इसमें हल्दी के लिए आपका टेस्ट का कोई ऐसा नहीं। आलू पोस्त तो एक ऐसा खाना है जिसमें बांगालीरा अपनारा जानें जे एर मध्ये हलुदेर जन्य स्वादेर कोनो मैटर करे ना। हलुद दिएओ हय, सादा आलू पोस्त हय, हलुद आलू पोस्त हय। आप लोग अगर पसंद करो हल्दी आलू पोस्त बनाओगे तो हल्दी दे सकते हो, नहीं तो ऐसे भी हल्दी छोड़ के भी दे सकते हो। इसमें खाने का कोई स्वाद का कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसमें हम लोग नमक दे देते हैं, ये आपके ऊपर है कितना नमक देंगे, ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मेजरमेंट, खाने का मेजरमेंट ऐसा होगी मतलब बोल नहीं सकता, ये आपके ऊपर बनाने के ऊपर। मैं खाली आप लोगों को रेसिपी कैसा है कैसे बनाना है वो आपको बोल सकती हूँ, बट कितना क्वालिटी कितना क्वांटिटी लगेगा ये आपके ऊपर है, आप लोग सभी जानते हो। तो ये अच्छे से हम लोग फ्राई कर रहे हैं, बट ज्यादा फ्राई ना हो जाए क्योंकि इसको अभी बॉईल करने छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग जो करेंगे थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि आलू बॉईल हो जाए, ठीक है। और पूरा खाना जो बनेगा ये पूरा खाना एकदम कम फ्लेम में बनेगा, एकदम कम फ्लेम एकदम आंचटा एकदम कमिए रखते हैं अपनारा। और बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग अभी ट्राई कर सकते हो बना के, रोटी के साथ, चपाती के साथ, राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बंगाली जैसे ब्यूली दाल बोलते हैं, राइस ब्यूली दाल के साथ आलू पोस्त तो हम लोगों का फेवरेट है। तो जो लोग बंगाली नहीं हो उन लोगों को भी मैं 100% ये गारंटी दे सकती हूँ कि ये खाना बनाने के बाद इतना स्वादिष्ट है, ये बहुत मतलब हम लोगों का फेवरेट है, वन ऑफ द बंगाली फेवरेट फूड, इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया। पिछले लॉकडाउन में भी आप लोगों के साथ मैंने कई सारा रेसिपी शेयर किया, आप लोग जो नहीं देखे हो अभी वो लोग भी अभी जाके मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हो। और अभी तक जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मनी एंटरटेनमेंट। तो देखिए थोड़ा मैं ढक के रखती हूँ 5 मिनट के लिए, फिर और एक बार दिखना है कि हो रहा है कि नहीं। आलू नहीं, आलू अभी बॉयल नहीं हुआ, देखा मैंने नहीं हुआ अभी, तो और थोड़ा टाइम लगेगा। और बहुत अच्छा सा एक खुशबू आ रहा है यहां से। तो हम लोग क्या करेंगे,
এটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে, ইয়ে আপ লোগোকে উপর ডিপেন্ড করতা হ্যায় কি কিতনা আপ লোগ আলু পোস্ত বহুত সুখা সুখা আচ্ছা লাগতা হ্যায়, তো ডাল কে সাথ আগার খাওগে চাপাতি কে সাথ তো সুখা থোড়া জাদা, তো ইয়ে ড্রাই ভি থোড়া খা সকতে হো, আর রাইস কে সাথ আগার ডাল হো তো সুখা খা সকতে হো, অন রোটি কে সাথ থোড়া গ্রেভি হোগা তো আচ্ছা লাগতা হ্যায়, তো ইয়ে এসা রেসিপি হ্যায়, থোড়া সুখা সুখা ভি হো সকতা হ্যায় ইয়া ফির সেমি গ্রেভি ভি হো সকতা হ্যায়। तो इसमें मैं देखा आलू अभी तक बॉयल नहीं हुआ और थोड़ा टाइम लगेगा, और थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर मैं थोड़ा टाइम के लिए ये ढक देती हूँ। अब देख लेते हैं कि हाँ आलू थोड़ा बॉयल हुआ है, थोड़ा सा बॉयल हो गया है, थोड़ा सा बाकी है, आधा बॉयल रहते रहते हम लोग जो पेस्ट बनाए थे, जो पेस्ट बनाए थे वो इसमें हम लोग दे देंगे, पूरा दे देंगे। ज़ूम कर, अब देखो इसमें मैं मिक्स कर दिया, अच्छे से पूरा मिला दूंगी, पूरा मिला दूंगी, और एकदम फ्लेम कम रख के ये जो पूरा रेसिपी है पूरा यही कम फ्लेम में बनेगा, फ्लेम ज्यादा करने का जरूरत है ही नहीं। अब इसमें 2-3 मिनट हम लोग रखेंगे, उसमें बन जाएगा 2-3 मिनट। अब उठा के देख रही हूँ हुआ है कि नहीं। आलू बॉयल हो गया है, आलू बॉयल हो गया है और ग्रेवी भी अच्छा हो गया है। आप ये आप और सुखाना चाहते हो तो सुखा सकते हो, जैसे हम लोगों का थोड़ा ग्रेवी अच्छा लगता है तो सेमी ग्रेवी रखा है, तो हो गया है हम लोगों का आज का रेसिपी आलू पोस्तो। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो डेफिनेटली ये वीडियोस बहुत 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 सारा शेयर करना और लाइक करना, अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करना और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक ऑप्शन है ही, बट मैं 100% श्योर कि आप लोगों को अच्छा लगना ही है क्योंकि ये बहुत डिलीशियस है। तो आप लोग आज ही ट्राई करो, बनाओ और देखो कैसे लग रहा है, रोटी के साथ भी खा सकते हो और राइस के साथ भी। चलो बाय फैंस, और जाते जाते मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग, और जाते जाते मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि अगले दिन डेफिनेटली आप लोगों के लिए और एक मजेदार रेसिपी जरूर लेके आएंगे, और टिल देन लव यू ऑल, और मेरे चैनल मनी एंटरटेनमेंट सब्सक्राइब करने ना भूले। Bye.